नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद के सभी एडीएम व एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ मारा छापा। 252 स्टाफ और 52 डॉक्टर पाए गए अनुपस्थित। जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने एक दिन का वेतन काटने के साथ विभाग अध्यक्ष से स्पष्टीकरण देने के दिए निर्देश। रविवार की रात्रि में कावाबाग बाईपास रोड पर बियर शॉप पर फायर करने वाले 3 अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक मुंगेर मॉडल पिस्टल, एक एयर पिस्टल, 3 मोबाइल, एक टांगी, एक चाकू किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सहित 90 से ज्यादा बड़ी कंपनियां रोजगार मेले में लेंगी भाग। सीएम योगी रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ। 10,000 अभ्यर्थियों को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य। सीडीओ संजय कुमार मीना और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। अपहृत व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर खोराबार पुलिस ने किया बरामद। अपहरण करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल, एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, एक कार किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। नाग पंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर एवं जिला कुश्ती संघ द्वारा 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजय खिलाड़ियों को गोरखपुर केशरी, गोरखपुर कुमार, वीर अभिमन्यु से करेंगे सम्मानित। अपहरण की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले 3 अभियुक्तों को चिलुआताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोबाइल किया बरामद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 4 दिन से अपने परिजनों से बिछड़े 11 वर्षीय बालक को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसके परिजन का पता लगाकर सकुशल किया उन्हें सुपुर्द। परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, जताया ट्रैफिक पुलिस का आभार। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर में पर्यटकों के लिए मिलेगी अब टूरिस्ट बस सेवा। बुधवार को फ्लैग ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर, चिड़ियाघर, रामगढ़ ताल का सैर कराएगी ई टूरिस्ट बस। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी जानकारी। छात्रा का पीछा कर छेड़खानी करने वाले वांछित अभियुक्त अजय भारद्वाज को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। पूर्वाई कला के संस्थापक राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि में चित्रकला प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा पत्रकार, कलाकार व सरलता के संगम थे स्वर्गीय राजीव केतन। लूट की घटना में शामिल सनी बेलदार को बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। और श्रावण माह के 3rd सोमवार को शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जलाभिषेक करके महादेव से मनचाहा वरदान पाने के लिए श्रद्धालु करते हैं पूजा। कहा, श्रावण माह में सोमवार के दिन का होता है विशेष महत्व। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान भोले शंकर। अब खबरें विस्तार से। जनपद के सभी एडीएम व एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ छापेमारी कर हाजिरी का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि मेरे द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि सभी एडीएम व एसडीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चेक करेंगे कि वहाँ पर डॉक्टर समय से उपस्थित हैं या नहीं, जिससे पता चल सके कौन सा डॉक्टर समय से सामुदायिक केंद्र पहुँच रहा है और कौन सा डॉक्टर समय पर ड्यूटी पर पहुंच नहीं रहा है। वहीं इस संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का एडीएम व एसडीएम के द्वारा निरीक्षण किया गया है और वहां पर डॉक्टरों की उपस्थिति को चेक किया गया है।
जब वहां पर हम लोग पहुंचे तो पाया गया कि वहां पर 50% स्टाफ ही ड्यूटी पर पहुंचा था, जिसमें से जिले के कुल 252 स्टाफ और 52 डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, जिसका रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया और जिस पर जिलाधिकारी ने कार्यवाही करते हुए सभी अनुपस्थित पाए गए डॉक्टरों का एक दिन का वेतन रोकने व विभागाध्यक्ष से स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सभी एडीएम साहबान और सभी एसडीएम साहबान के द्वारा पूरे जनपद में जो हमारे सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, अर्थात जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी अटेंडेंस चेक कराई गई। 8:15 का समय दिया गया था। हम लोगों ने मौके पर जा कर के देखा तो 8:30-9 तक भी 50% स्टाफ ही आया था। हम अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को आज ही सबमिट कर देंगे और जो भी डॉक्टर साहबान या उनके कर्मचारी समय से उपस्थित नहीं हुए हैं उनको नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो जनरली ये एक हम लोगों ने रूटीन बनाया हुआ है कि हर वीक हम लोग रैंडम ऑफिसर्स चेक करेंगे, हेल्थ सेंटर चेक करेंगे, ताकि इंश्योर करें कि जो भी संबंधित ऑफिसर्स हैं, स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, समय पर कार्यालय में उपस्थित हों, ताकि लोगों का मैक्सिमम अच्छे क्वालिटी वाइज निस्तारण कराया जा सके। तो एक बार वो रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके बाद फिर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। शाहपुर पुलिस ने रविवार की रात्रि में कावाबाग बाईपास रोड से बियर शॉप पर फायर करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीनों अभियुक्तों को कावाबाग रेलवे अंडरपास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान नवनीत मिश्रा उर्फ लक्की मिश्रा, पुत्र शशिकांत मिश्रा, निवासी सरस्वतीपुरम पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा निखिल शर्मा पुत्र अनिल शर्मा निवासी असुरन थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा राजन तिवारी पुत्र स्वर्गीय रामाशीष तिवारी निवासी टाडा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि वादी द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि 31 जुलाई को समय करीब 9:15 रात्रि को नवनीत मिश्रा उर्फ लक्की मिश्रा, पुत्र शशिकांत मिश्रा, सरस्वतीपुरम पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर व उसके साथ ही निखिल शर्मा पुत्र अनिल शर्मा असुरन थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर आए और मेरे बियर की दुकान पर लक्की मिश्रा बियर मांगने लगा। जब मैंने कहा कि कल जो बियर ले गए थे उसका पैसा दीजिए तब बियर देंगे, इस पर निखिल शर्मा ने आज का पैसा दिया और कल का पैसा मांगने पर निखिल शर्मा ने तेजित होकर हवा में 2 राउंड फायर किया। उसके बाद 1 राउंड मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया था। विवेचना के क्रम में राजन तिवारी निवासी टाडा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर का नाम प्रकाश में आया, जिनके विरुद्ध अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त राजन तिवारी के पास से एक मुंगेर मॉडल का पिस्टल बरामद हुआ, जिसके बॉडी से मैगजीन निकाल कर देखा गया तो उसमें 3 अदद जिंदा कारतूस भरे हुए थे तथा पैंट के जेब से 2 सैमसंग तथा 1 नोकिया कंपनी का मोबाइल बरामद किया। उसके द्वारा पीठ पर लिए हुए काले रंग के बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें 1 मल्टीपर्पज कटर, 1 टांगी आधुनिक मॉडल, 1 चाकू यू आकार का आधुनिक मॉडल काले रंग का तथा 1 साधारण चाकू कवर सहित गेरुआ व सफेद रंग का तथा अभियुक्त निखिल शर्मा के पास से 1 एयर पिस्टल बरामद किया गया है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक राम प्रवेश, रामानुज सिंह यादव, संजीव कुमार हेड कांस्टेबल, नरुद्दीन खान, राजू उपाध्याय कांस्टेबल, अजय कुमार, राहुल कुमार, संजय राजभर, अनिल शाहनी, मिथिलेश कुमार, सौरभ पाल, वीरेंद्र सरोज शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, फील है
एक काम करता है ना सजाने वाला, अपने से कौन ढंग से सजाता है। रिकवरी है घर पे छानबीन के बाद की रिकवरी, इसमें कुछ चीजें वो हमेशा लगा के अरे आराम जो भैया कल रात में जनपद गोरखपुर के थाना शाहपुर के जेल रोड के ऊपर एक बियर की दुकान पर फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण संबंधित थाना पुलिस सीईओ साहब एसपी सिटी साहब और हमारे द्वारा किया गया था। ये शहर में हुई फायरिंग की घटना को बड़ी गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस टीमें इस संबंध में रवाना की गई थी। वादी की तहरीर पर दो व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बहुत ही अल्प अवधि में इस घटना में जो सभी अभियुक्त हैं, तीन अभियुक्त हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया है, जिनके नाम नवनीत मिश्रा, राजन तिवारी व निखिल शर्मा हैं। इनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है, ये पहले से भी इस बियर शॉप से शराब इत्यादि लेते रहते थे। पैसे मांगने पर पैसे ना देने का इस संबंध में विवाद था, जिनके ऊपर इनके द्वारा वहाँ पर डराने धमकाने के लिए और उसको टारगेट करते हुए, सेल्समैन को टारगेट करते हुए फायर किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, अवैध असलाह व अन्य हथियार बरामद हुए हैं। इनके ऊपर पूर्व के भी मुकदमे हैं, जिस आधार पर इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इनके ऊपर गैंगस्टर व अन्य प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाएंगे और ऐसे अपराधियों की धरपकड़ करके बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद में 3 अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लगने वाले रोजगार मेले की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि 3 अगस्त को एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10,000 से अधिक अभ्यर्थी भाग लेंगे। अभी तक 60 कंपनियों ने अपना मेले में आने के लिए अप्रूवल दे दिया है, जिसमें 6,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को रोजगार मिलने की संभावना है और अभी 2 दिनों में कुछ और कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि कम से कम 100 कंपनी रोजगार मेले में शामिल होंगे। रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं इस संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा कि जनपद में जितने भी आईटीआई कॉलेज हैं और कौशल विकास मिशन के तहत योजनाएं चल रही हैं, गोरखपुर मंडल के 4 जनपदों को मिलाकर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, जो कि सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 90 से ज्यादा कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, जिसमें सभी तरह के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। 10,000 अभ्यर्थियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में टाटा मोटर्स, एलएनटी, महिंद्रा, मारुति, ओप्पो, पेटीएम, वी मार्ट सहित अन्य कंपनियां भाग लेंगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, जैसा आप सभी अवगत हैं कि जो हमारे जितने भी जनपद में आईटीआई हैं, जितने भी कौशल विकास मिशन के अंतर्गत योजनाएं चल रही हैं और इस पूरे मंडल के 4 जनपदों को मिलाकर एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। यह मेला दिनांक 3 तारीख को सुबह 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका जो उद्घाटन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। इस मेले में लगभग अभी 90 से ज़्यादा कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा विभिन्न स्ट्रीम्स में, जिसमें ऑटोमेशन है आपका, इलेक्ट्रिसिटी है, मैकेनिकल है, सिविल है और शॉपिंग कंपनीज भी हैं। इनके द्वारा लगभग मोर देन 10,000 वैकेंसीज जो है बताई गई हैं, जिसमें जो भी हमारे मंडल के 4 जनपद हैं वहाँ से जो भी प्रतिभागी, जो भी युवा यहाँ आएंगे, उनको उनकी मेरिट के हिसाब से रोज़गार दिया जाएगा। सर, कुल कितनी कंपनियाँ रहेंगी और कितनों का लक्ष्य रखा गया देने के लिए? देखिए, लगभग अभी जो कंफर्मेशन हो गया, लगभग 90 कंपनियाँ आ रही हैं, उनमें से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कुछ टाटा मोटर्स है, एलएनटी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, ओप्पो है, पेटीएम, वी मार्ट, तो इस तरीके से हम लोगों ने करीब 90 कंपनियों का कंफर्मेशन ले लिया है और लगातार जारी है। हो सकता है हम 100 क्रॉस भी कर जाएं और जो टोटल इनके द्वारा वैकेंसी बताई गई हैं वो करीब 10,000 वैकेंसी है। तो हमारे जो टारगेट है, हम मिनिमम 6 से 7,000 प्लान कर रहे हैं कि कम से कम इतने युवाओं को हम
रोजगार दे सके। तीन तारीख को एक बृहद रोजगार मेला का आयोजन कराया जा रहा है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में। तो कार्यक्रम में नियरली 10,000 से अधिक बच्चे आएंगे और अभी तक 60 कंपनी के आसपास ने अपना कंसेंट दे दिया है। इसमें 5,000 से 6,000 के आसपास रोजगार सृजन की संभावना है। इसके अतिरिक्त अभी एक दो दिन और हैं, इसमें भी मैक्सिमम कंसेंट आने की संभावना है। हम लोगों ने लक्ष्य यही बनाया है कि कम 100 कंपनी यहाँ उपस्थित हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम इम्प्लॉयमेंट जनरेट कराया जा सके। हाँ, कुछ अच्छी बड़ी कंपनी भी आ रही है एंड और भी लोगों से बात चल रहा है और शासन इसमें काफ़ी हमें मदद भी कर रहा है। तो वहाँ से भी अलग अलग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं, एमएसएमई डिपार्टमेंट्स हैं, ये लोग भी कोऑर्डिनेट करके अच्छी कंपनीज भेज रहे हैं। जो भी अपना क्वालिफिकेशन है, डिग्री, सारा डॉक्यूमेंटेशन के साथ आए और अच्छे से रजिस्ट्रेशन करा के अच्छे से इंटरव्यू दें, अपने आप को एक्सप्रेस करें ताकि मैक्सिमम को जॉब मिल सके। खोराबार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत व्यक्ति को बरामद किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को रामनगर करजहा चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान देवेंद्र राय पुत्र विजय नारायण राय निवासी ग्राम बसवारी ग्राम बड़को थाना घनघटा जनपद संत कबीर नगर, दूसरा आनंद कुमार मिश्रा पुत्र उमेश मिश्रा निवासी ग्राम आनंद पूर्वा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर व हाल पता सिकटौर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, तीसरा मयंक दुबे पुत्र मुन्ना दुबे निवासी ग्राम दुबौली थाना मदनपुर जनपद देवरिया को थाना रामनगर करजहा चौराहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, एक कार बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 31 जुलाई को वादी द्वारा एक लिखित तहरीर मिली कि अभियुक्तगढ़ द्वारा वादी के भतीजे प्रतीक कुमार सिंह द्वारा कार मांग कर ले जाना व कार दोबारा वापस मांगने पर विश्वास में लेकर सेरे पूर्वांचल होटल रामनगर करजहा पर कार देने के लिए बुलाना तथा होटल पर पहुंचने पर अभियुक्तों द्वारा 3,50,000 रुपए की रंगदारी की मांग करना, रंगदारी ना देने पर मारना पीटना, गाली गुत्ता देते हुए वादी के भतीजे प्रतीक कुमार सिंह का अपहरण कर ले जाना व जाते समय वादी का पर्स छीन लेने के संबंध में खोराबार थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अपहृत व्यक्ति को भी बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में सीओ प्रशिक्षु जितेंद्र कुमार, खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक पंकज कुमार सिंह, कांस्टेबल कोमल कुमार, मनीष सिंह, कांस्टेबल भागवत स्वरूप पाठक, कांस्टेबल प्रियेश यादव, ब्रिगेडियर चौहान वीरेंद्र भारद्वाज शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, मास्क आए नहीं तो वो कर देना, ब्लर कर देते हैं जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रतीक नाम के व्यक्ति जो कि यहां पर एक कंपनी में डायरेक्टर है, उनका अपहरण हो गया है। तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जिनके द्वारा सूचना दी गई थी उनसे इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली गई। उसके उपरांत जिनके द्वारा इसका अपहरण किया गया था, मारपीट की गई थी, उनके लिए दबिश दी गई, जिसमें बहुत ही अल्प अवधि में जो अपहृत प्रतीक हैं उनकी बरामदगी हुई है और इस घटना में शामिल 4 में से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बेसिकली ये प्रतीक जो हैं, इनके द्वारा अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के संबंध में आंध्रा के कुछ व्यक्तियों के साथ बिजनेस डीलिंग की गई थी, जिसमें रुपए के लेन देन का विवाद था, जिसको लेने के लिए आंध्रा के कुछ व्यक्ति यहाँ पर आए थे। इस चीज़ से बचने के लिए प्रतीक द्वारा अपने कुछ जानकार लोगों को इसमें बुलाया गया था, जो प्रतीक की गाड़ी लेकर कुछ दिन पूर्व चले गए थे। दोबारा से उनके द्वारा प्रतीक को
संपर्क किया गया था गाड़ी देने के बहाने, जिसके एवज में उनके द्वारा इससे पैसे मांगे जा रहे थे। पैसे ना देने के उपरांत उनके द्वारा प्रतीक को एक होटल में बुलाया गया, वहाँ पर उसके साथ मारपीट की गई, उसको जान से मारने की धमकी देकर पैसे की भी मांग की गई, रंगदारी मांगी गई, और फिर पैसे ना देने पर उनको वहाँ से अपहरण करके एक जगह ले जाया गया। इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। घटना कुल चार लोगों द्वारा कारित की गई थी, जिसमें से तीन अभियुक्त, जिसका नाम देवेंद्र राय है, आनंद कुमार मिश्रा है व मयंक दुबे है, इन तीनों की अरेस्टिंग हुई है। देवेंद्र राय का पूर्व से आपराधिक इतिहास है और बाकियों के भी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। जो चौथा अभियुक्त है उसके लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। बहुत ही अल्प अवधि में इस अपहरण और रंगदारी मांगने की घटना का सफल अनावरण थाना खोराबार पुलिस और उनके अधिकारियों द्वारा किया गया। 1 लाख से 4 लाख के बीच में पैसे की मांग की जा रही थी और पहले भी इनके द्वारा इस संबंध में मांग की गई थी। नाग पंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर एवं जिला कुश्ती संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का महापौर सीताराम जायसवाल ने पहलवानों से हाथ मिलाकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि नाग पंचमी के अवसर पर 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन गोरखनाथ मंदिर में किया गया है, जो कि हर वर्ष आयोजित होता है, जिसका शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज ने किया था और उस परंपरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुश्ती हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और हमारी धरोहर है। हमने पूरी दुनिया को कुश्ती सिखाया है, यह परंपरा हमेशा कायम रहे। इसका आयोजन हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर किया जाता है और हमें उम्मीद है कि सभी पहलवान अच्छा प्रदर्शन करेंगे और गोरखपुर का नाम उज्जवल करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नागपंचमी के दिन विजय खिलाड़ियों को गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार एवं वीर अभिमन्यु से सम्मानित व पुरस्कृत करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश कुमार सिंह और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, शीश यादव ओरिजिनल चंद्रभूषण रेलवे, शुभम बरगतवा, निहाल रेलवे, पवन चौहान स्पोर्ट्स कॉलेज, कृष्ण गुप्ता रेलवे, सत्येंद्र यादव रेलवे सिंह इंडल स्पोर्ट्स स्टेडियम को बाई, विवेक यादव रेलवे को बाई, जिन लोगों का नाम लिया गया है सभी लोग अपने आप को तैयार करके मैट के सामने कुश्ती की। एक बार फिर से कह रहे हैं, अमन यादव स्पोर्ट्स कॉलेज, अनिकेत यादव नई बाजार तैयार हो गया। अमन यादव और अनिकेत के बीच में इन दोनों पहलवानों से साधारण अनुरोध है कि वो मंच के पास आ जाएंगे और बाबा कमलनाथ जी का भी एक बार अनुरोध है, कृपा करेंगे। तमाम लोग हैं जो ये अभिमन्यु वीर की पहली बाउ छोड़े जा रही है। इस खेल के शुरू होने से पहले एक बार खेल के लिए इष्ट देव का आशीर्वाद मांगिए, जो पहली बाउ छोड़ने जा रही है। शोभा बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ 3 तरह की प्रतियोगिता की जाती है, गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और गोरखपुर वीर सीताराम जायसवाल जी मुख्य अतिथि। पहले नागपंचमी के पहले अप्रैल महीने हर तकरीबन नाइट चल रहे हैं, कोच
में स्पोर्ट कॉलेज आज ही राजभर की बात कर रहे हैं और पूरा गोवान और इस रेफरी पर किसी प्रकार का चौधरी कैफुल बोरा जी जो प्रतियोगिता क्योंकि यहाँ नागपंचमी के अवसर परंपरागत होता है, बहुत दिनों से होता आया है, वो प्रतियोगिता को अभी यहाँ तीन तरह से तीन भाग में इसको कर दिया गया है। 70 किलोग्राम से ऊपर के जो पहलवान होते हैं उनको गोरखपुर केसरी में लड़ाते हैं और 60 से 70 किलो बीच में जो होते हैं उनको गोरखपुर कुमार के लिए लड़ाते हैं और 50 से 60 किलो वजन के जो लड़के होते हैं उनको हम गोरखपुर वीर अभिमन्यु के लिए लड़ाते हैं। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? यहाँ कुल 80 पहलवानों ने भाग लिया। कल महाराज जी सम्मानित करेंगे? महाराज जी कल आएंगे, 4 बजे से 5 बजे तक उनका यहाँ प्रोग्राम है, समापन वही करेंगे और जो फाइनल की कुश्तियाँ होंगी वो उनके सामने होंगी और उनको नगद पुरस्कार और गदा से सम्मानित करेंगे। देखिए गोरखनाथ मंदिर और गोरखपुर कुश्ती संघ के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके प्रेरणा स्वरूप अवैधनाथ जी महाराज रहे हैं और उस परंपरा को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो कुश्ती है ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, हमारी धरोहर है और हमने पूरी दुनिया को कुश्ती सिखाया है। इस परंपरा जो भारतीय संस्कृति कायम रहे इसके लिए गोरखपीठ की तरफ से ये आयोजन प्रतिवर्ष नागपंचमी के अवसर पर होता है। यहाँ पर और हमें उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे और विश्व स्तर पर गोरखपुर का नाम उज्जवल करेंगे। इसी के लिए गोरखपीठ पूर्ण रूप से समर्पण कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जाइए नहीं भी करेंगे कल 2 तारीख को 4 बजे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो विजयी खिलाड़ी होंगे उनको सम्मानित करेंगे, उन्हें इनाम देंगे।
चिल्वाताल पुलिस ने अपहरण की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को नकहा ओवरब्रिज क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अरुण पुत्र रामस्वरूप निवासी घनसोलपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, दूसरा शिवम सिंह पुत्र रणधीर सिंह निवासी पिपली जाट राजोपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर, तीसरा कपिल कुमार पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी हरिनगर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त शिवम सिंह वादी मुकदमा का सगा भांजा है, जिसके पास कर्ज होने के कारण कर्ज चुकाने व पैसे के लालच में अपने साथियों कपिल व अरुण के साथ मिलकर वादी मुकदमा से अज्ञात नंबर से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगा गया था तथा ना देने पर बेटी को किडनैप कर लेने की धमकी दिया गया था, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चिल्वाताल थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा, उप निरीक्षक अभय कुमार उपाध्याय, कांस्टेबल मनोज सोनकर, धर्मेंद्र यादव, दुर्गेश मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, थाना चिलुआ ताल पर एक सरकारी कर्मचारी द्वारा कुछ दिन पूर्व एक सूचना दी गई थी कि उनके फ़ोन पर उनको डराने धमकाने और रंगदारी मांगने का फ़ोन आ रहा है। ये जो वादी हैं ये मूलतः बिजनौर के रहने वाले हैं और इनको शक था कि वहीं के किसी व्यक्ति द्वारा इनसे रंगदारी मांगी जा रही है और इनको इनको नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार इन अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इस घटना का भी सफल अनावरण हुआ है, जिसमें तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक अरुण पुत्र रामस्वरूप हैं, शिवम सिंह हैं और कपिल कुमार हैं। विशेष रूप से जो शिवम सिंह है वो वादी मुकदमा का भांजा है। किन्हीं कारणों से उसके ऊपर पैसे का काफ़ी कर्ज हो गया था। उसके द्वारा अपने दो अन्य साथियों को अपने मामा का नंबर देकर उनसे रंगदारी मांगने के लिए प्रेरित किया गया था। फ़ोन करने पर जब फ़ोन किया, रंगदारी के फ़ोन में जो वादी हैं उनकी बेटी को भी नुकसान पहुंचाने की बात आ रही थी, जिसको बहुत गंभीरता से लेते हुए इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इन तीनों को अरेस्ट किया गया। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद के सभी एडीएम व एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ मारा छापा। 252 स्टाफ और 52 डॉक्टर पाए गए अनुपस्थित। जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने एक दिन का वेतन काटने के साथ विभाग अध्यक्ष से स्पष्टीकरण देने के दिए निर्देश। रविवार की रात्रि में कावाबाग बाईपास रोड पर बियर शॉप पर फायर करने वाले तीन अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक मुंगेर मॉडल पिस्टल, एक एयर पिस्टल, तीन मोबाइल, एक टांगी, एक चाकू किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सहित 90 से ज्यादा बड़ी कंपनियां रोजगार मेले में लेंगी भाग। सीएम योगी रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ। 10,000 अभ्यर्थियों को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य। सीडीओ संजय कुमार मीना और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। अपहृत व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर खोराबार पुलिस ने किया बरामद। अपहरण करने वाले तीनों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल, एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, एक कार किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। नागपुर
पंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर एवं जिला कुश्ती संघ द्वारा दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजय खिलाड़ियों को गोरखपुर केशरी, गोरखपुर कुमार, वीर अभिमन्यु से करेंगे सम्मानित। अपहरण की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले तीन अभियुक्तों को चिलुआताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोबाइल किया बरामद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत चार दिन से अपने परिजनों से बिछड़े 11 वर्षीय बालक को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसके परिजन का पता लगाकर सकुशल किया उन्हें सुपुर्द। परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, जताया ट्रैफिक पुलिस का आभार। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर में पर्यटकों के लिए मिलेगी अब टूरिस्ट बस सेवा। बुधवार को फ्लैग ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर, चिड़ियाघर, रामगढ़ ताल का सैर कराएगी ई टूरिस्ट बस। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी जानकारी। छात्रा का पीछा कर छेड़खानी करने वाले वांछित अभियुक्त अजय भारद्वाज को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। पूर्वाई कला के संस्थापक राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि में चित्रकला प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा पत्रकार, कलाकार व सरलता के संगम थे स्वर्गीय राजीव केतन। लूट की घटना में शामिल सनी बेलदार को बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। और श्रावण माह के तीसरे सोमवार को शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जलाभिषेक करके महादेव से मनचाहा वरदान पाने के लिए श्रद्धालु करते हैं पूजा। कहा श्रावण माह में सोमवार के दिन का होता है विशेष महत्व। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान भोले शंकर। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय।
मटकू मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 4 दिन से अपने परिजनों से बिछड़े 11 वर्षीय बालक को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा परिजन का पता लगाकर सकुशल सुपुर्द किया गया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 11 वर्षीय बालक जो पुत्र संतराज कहार निवासी मौलाना गंज पनियरा महाराजगंज का रहने वाला है, रविवार को रात्रि 8 बजे विश्वविद्यालय चौराहे पर तैनात यातायात आरक्षी राजकिशोर प्रसाद के पास गया और बोला, सर मैं 4 दिन पहले अपने मामा के लड़के अनिल कहार के साथ नौकायन घूमने आया था, घूमने के दौरान बिछड़ गया। वह 4 दिनों से भूखे और प्यासे घूम रहा था, उसको देखकर यातायात आरक्षी ने उसको तुरंत खाना खिलाया। उसके बाद इमरजेंसी कॉल बॉक्स बटन के माध्यम से ITMS से संपर्क किया। ITMS में तैनात आरक्षी नौशाद एवं रितिका शुक्ला ने ITMS कार्यालय से सभी चौराहों पर अनाउंस किया तथा बालक को ITMS कार्यालय लाया और महाराजगंज के संबंधित थाने के PRV 2565 से संपर्क करके पीड़ित के पिता संतराज कोहार को सूचना दिया गया तथा बच्चे से बात कराया गया। बात करने के बाद परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई और तुरंत महाराजगंज से रात करीब 11 बजे परिजन ITMS कार्यालय पहुंचे। उसके बाद उनके पुत्र को सकुशल सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की टीम ने अच्छा काम किया है, जिसमें TSI मनोज कुमार राय, कांस्टेबल रितिका शुक्ला, कांस्टेबल मोहम्मद नौशाद और कांस्टेबल राजकिशोर प्रसाद को उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपके पता भाई 4 दिन से गायब बना घर से? नहीं, हमें ना पता, हमें आज पता मिले है, वो खेले पूरे दिन ही हमें पता मिला, हमें ना मिला। ये बाबू फोन हमारे कर गुप्ता जी, आप बताएं। हम ही बताएं, हमारे मतलब ग्राम सेवा से हाँ, 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 हैं हाँ, मतलब 4 लोग से कनेक्ट करके मतलब पता किए तो पता चला तो हमको बताएं। ये 4 दिन से लड़का गोरखपुर में घूम रहा है बिना खाए पी बिना पिए, क्यों? तो बताओ, तुम्हें खाना पीना कौन खिलाया है? कौन? ट्रैफिक पुलिस थे वो खिलाए हैं? खाना पीना खिलाए हैं? फिर आप लोग से हम लोगों के द्वारा संपर्क किया गया है, हाफी गुप्ता जी जो अब काफ़ी हेल्पफुल आदमी हैं, आपने इनके पिताजी को संपर्क किया है? संपर्क किए हैं, मतलब वहाँ के प्रधान से भी संपर्क किए हैं। अच्छा, आज तो संपर्क करने के बाद पता चला है तो हम लोग आए हैं आपके पास। चाचा, आपके बेटे मिल गए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत बहुत खुश हो गए, हाँ मिल गया, ठीक लग रहा है। देखिए, ट्रैफिक पुलिस ने आपके बच्चे को खोज के आपको सुपुर्द किया है यहाँ, ठीक है? मौलागंज पनियारा के एक संतराज कहार हैं, उनका बच्चा 4 दिन पहले यहाँ नौकायान पर घूमने के लिए आया था अपने मेरे भाई के साथ। बच्चा यहाँ पे गुम हो गया, 11 साल का बच्चा था।
बड़ी मुश्किल से, पढ़ा लिखा नहीं था बच्चा तो अपना नाम पता नहीं बता रहा था, किसी तरीके से उससे नाम पता पूछा, हमारे आरक्षी राजकिशोर प्रसाद को मिला, वो यूनिवर्सिटी चौराहे पर, उन्होंने उसके लिए खाना खिलाया। चार दिन से बच्चा भूखा था, उसने बताया मेरे पास एक पैसा नहीं है, ना मुझे कुछ खाने को मिला है, ना मैं कहीं भी सो जाता हूँ। तो ITMS के कर्मियों से राजकिशोर प्रसाद ने इमरजेंसी कॉल बॉक्स का यूज़ करके बताया, यहाँ पर हमारे कर्मियों ने अनाउंस किया सभी चौराहों पे, इसमें नौशाद हैं, रितिका हैं, इन्होंने अनाउंस करके पूरे शहर में ढूंढवाया ऐसा बच्चा, पर कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। उसके बाद पनियारा महाराजगंज से संपर्क किया गया और उसके फादर से बात की गई टेलीफोन पर नंबर प्राप्त करके, तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारा बच्चा है ये और हम उसके लिए लेने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी भाव बेहोर हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उसके बाद वो अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आए और यहाँ पर उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करके बच्चा उनके लिए सपोर्ट किया गया। उन्होंने बताया कि बच्चा हमारा घूमने आया था, घूमने में गुम हो गया और हम जो है इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारा बच्चा जो है यातायात पुलिस की वजह से हमको वापस मिला। सर किस माध्यम से उनके पिताजी से मुलाकात हुआ था? सर उनके पिताजी से संपर्क करने के लिए हमने लोकल थाने की PRB से संपर्क किया और PRB को बताया कि ये बच्चा, ये नाम बता रहा अपने फादर का, आप जाके वेरीफाई करो कि इनका बच्चा घर पे है कि बच्चा वास्तव में गुम हो गया है। तो वो गया तो उनके घर पे सब लोग उसमें थे, दुख में थे कि उनका बच्चा गायब था, चार दिन थे जिसका बच्चा ना मिल रहा हो, पता ना चल रहा हो, तो वो बहुत दुखी थे। तो वेरीफाई हो गया, फिर फ़ोन से बात कराई उन्हीं लोगों ने कि इनसे बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को अपने पास रखिए, हम लोग लेने आ रहे हैं। सर कब किया गया सपोर्ट परिवार को? परिवार के लिए, बच्चे के लिए जो है 30/31 की रात में सपोर्ट किया। क्या कहना चाहेंगे और आपने आरक्षी को क्या? हमारे आरक्षियों ने, पूरी ट्रैफिक पुलिस की टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसमें विशेषकर हमारे TI मनोज राय, कांस्टेबल नौशाद और कांस्टेबल रितिका और हमारे कांस्टेबल राजकिशोर प्रसाद, इन लोगों ने अच्छा कार्य किया है और इनके उत्साहवर्धन के लिए इनके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। टूरिस्ट सिटी के रूप में विकसित हुए गोरखपुर में सैर सपाटे के लिए आने वाले लोगों को और सहूलियत मिलने जा रही है। गोरखपुर नगर निगम इसके लिए 2,52,00,000 रुपए की लागत वाली 2 ई टूरिस्ट बसों का संचालन करने जा रहा है। इन ई टूरिस्ट बसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार 3 अगस्त को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहले से लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। इसके साथ ही हाल के सालों में खूबसूरत रामगढ़ ताल और चिड़ियाघर पर्यटन के लिए नायाब केंद्र के रूप में उभरे हैं। बाहर से आने वाले लोगों को अब इन स्थानों पर आने जाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ई टूरिस्ट बस सेवा की सौगात मिलने जा रही है। गोरखपुर के नगर आयुक्त अविनाश सिंह बताते हैं कि महानगर भ्रमण पर आने वाले इन टूरिस्ट बसों की सवारी कर गोरखनाथ मंदिर, रेल म्यूजियम, रामगढ़ ताल, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि जगहों को सैर कर सकेंगे। बुधवार को योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नगर निगम की तरफ से आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा फ्लैग ऑफ किए जाने के साथ ही इन ई टूरिस्ट बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 नई इलेक्ट्रिक बसों और 25 कूड़ा कलेक्शन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 10 इलेक्ट्रिक बसों को 8,70,00,000 रुपए तथा 25 कूड़ा कलेक्शन वाहनों को 1,50,000,000 रुपए से खरीदा गया है। इस अवसर पर 1,32,00,000 रुपए से खरीदे गए 2 जेंटिंग कम सक्शन मशीनों को भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा। CM योगी द्वारा कूड़ा कलेक्शन वाहनों के चालकों को रोजगार प्रमाण पत्र भी सौंपा जाएगा। 3 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निगम की कुल 122.29 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इन कार्यों में सड़क, नाली निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, पार्कों व छठ पोखरे के सौंदर्यकरण आदि शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, Thank you.
अंदर से शीशा मार दिया है जनी। दिनांक 2 अगस्त को अपराह्न में माननीय मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर जनपद में भ्रमण कार्यक्रम प्राप्त हुआ है और उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं का उनके लाभार्थियों का सम्मान पत्र वितरित करेंगे, नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। उसके पश्चात लगभग 12 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूजनीय बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आएंगे और आने पर सबसे पहले पोर्टिको से होते हुए वो हॉल में जाकर दीर्घ प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत उद्बोधन आदि के पश्चात नगर निगम के द्वारा जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार पत्र दिए जा रहे हैं उनको रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं, नौकरी दी जा रही है, उन लोगों को माननीय जी के द्वारा रोजगार पत्र दिए जाएंगे जिसमें कि हमारे लगभग 39 वाहन चालक जो हमारे 10 जेल पुलिस के लोग और अन्य लोगों को रोजगार पत्र देंगे। इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं जिनको आवास इनके बन चुके हैं उनको आवास की चाबी, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है उनको 10,000 का लोन जो उन्होंने कायदे से रीपे कर दिया हो उनको QR कोड देंगे। साथ ही अच्छे स्ट्रीट वेंडर्स को वो सम्मानित भी करेंगे। इसके पश्चात जो नगर निगम के डोर टू डोर काम करने वाले जो बहुत अच्छे हमारे वाहन चालक और उनके हेल्पर हैं जिन्होंने अपने अपने वार्डों में बहुत बड़ी संख्या में आवासों से घरों से कूड़ा निकाल कर उसको सेग्रीगेट करके अपनी गाड़ी में अलग अलग डालकर MRF सेंटर पहुंचा रहे हैं उनको भी प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित किया जाएगा। इसके पश्चात VIP दौरे में लगातार सफाई को एक उच्चतम स्तर पर ले जाने वाले जो हमारे सफाईकर्मी भाई और बहन हैं उनमें से प्रत्येक जोन से 2 अच्छे लोगों को छांटा गया है जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर शहर में जो 125 करोड़ की सड़क नालियाँ नालों आदि से जुड़ी हुई डीप बोरिंग, मिनी बोरिंग, ओवरहेड टैंक आदि से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं का उनके करकमलों के द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोरखपुर जनपद में जो विकास की गंगा बह रही है आने वाले कुछ ही आप महीने में देखेंगे कि पूरे शहर में पूरे CC रोड का जाल बिछ गया है और कहीं पर भी कच्ची रोड आपको नज़र नहीं आएगी। एक कोशिश साथ साथ ये चल रही है कि CC रोड बनाए जाने से ये फ़ायदा है कि बरसात के दिनों में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ जहाँ वाटर लॉगिंग समस्या है वहाँ पे हम सड़कों के साथ नालियाँ और नाले भी बना रहे हैं उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर आएंगे और बाहर बने हुए जो हमारा मंच है उस मंच से वो जो 39 गाड़ियां हैं जिसमें कि 25 गाड़ी हमारी डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली गाड़ियां हैं टाटा मैजिक गोल्ड, 2 गाड़ी जेटिंग मशीनें हैं सक्शन मशीन बड़ी वाली, 10 जो है कि इलेक्ट्रिक बसें हैं, 2 बड़ी वाली टूरिस्ट बसें हैं। इस प्रकार से कुल 39 गाड़ियों को वो झंडा दिखाकर रवाना करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारी ये इलेक्ट्रिक बसें हैं हमारे सिटी के एरिया को भी उसकी परिधि को भी पार करके जो ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत ज़बरदस्त डिमांड आ रही है उसको भी जाकर वो लोग टच करेंगे और वहाँ के लोगों को निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा कि जो बहुत लोग डेली
गोरखपुर शहर में आते हैं, यहाँ पर अपने मुकदमों के सिलसिले में पढ़ने के लिए या मेडिकल के मेडिकल की वजह से कोई अपना चिकित्सीय इलाज कराने के लिए, उन सभी लोगों को बहुत ही एक अच्छी सुविधा हासिल हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनके लिए जो पर्यटक बस की सुविधा है, उनको इधर भटकना नहीं पड़ेगा। उन जो रोड मैप बना हुआ है पर्यटन का अपने जनपद में, उन बसों पर बैठ के वो उन जगहों दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे और उसका पर्यटन का आनंद उठा सकेंगे। कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा प्रदेश विकास कर रहा है और आज देश में नंबर एक की पोजीशन पे है, आने वाले भविष्य में इसी प्रकार की योजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा कराते रहें और हमारा गोरखपुर शहर है दिनों दिन तरक्की करता रहे। कैंट पुलिस ने छात्रा का पीछा कर छेड़खानी करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को बालापार बैजनाथपुर थाना चिल्वाताल से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अजय भारद्वाज पुत्र गुरऊ भारद्वाज निवासी बनगाई टोला रक्सड़वा थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं पीड़िता को, जो मेरे गांव की ही रहने वाली है, जानता पहचानता हूं। दिनांक 29 जुलाई को जब पीड़िता टेम्पो से अपने कॉलेज जा रही थी तो मैं इसका पीछा करते हुए गुलेरिया अपने गाँव से सेंट जोसेफ कॉलेज तक पीछा किया। अभियुक्त अजय अपनी गलती की माफी मांग रहा है और कहा कि भविष्य में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। पीड़िता द्वारा छेड़खानी की बात अपने घर वालों को बताई थी, तब अजय भारद्वाज के घर और पीड़िता के घर से कहा सुनी हुई थी। इस संबंध में थाना गुलेरिया में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के ऊपर कैंट थाने में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज था, जो कि वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल राकेश यादव, संदीप यादव, आनंद कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जो फोटो लग रहा था मीडिया कर रही है मीडिया वाला काम नहीं करता सर। जनपद गोरखपुर के थाना कैंट में 29 तारीख को एक बालिका द्वारा एक प्रार्थना पत्र देके मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें अंकित किया गया था कि ये युवती जो कि गुलरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं, वो जब भी अपने कॉलेज आती हैं तो वहीं का एक लड़का लगातार उनका काफ़ी दिनों से पीछा कर रहा है और छेड़छाड़ करता है। इसी बात से परेशान होकर के उनके थाने पर तहरीर दी थी। इससे संबंधित मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार पुलिस द्वारा अभियुक्त की अभियुक्त दबिश दी जा रही थी, जिसमें कल रात में अजय भारद्वाज नाम का ये जो अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग हुई है, उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इस बारे में भी जानकारी की जा रही है, जिसकी अभी जैसे जानकारी होगी तो बताया जाएगा। लड़की का कहना है कि कुछ महीनों से उसके द्वारा पीछा किया जा रहा था, अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है, आगे की जानकारी और प्राप्त हो जाएगी। चंद्रकांति रमावती कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में पूर्वाई कला के संस्थापक राजीव केतन के द्वितीय पुण्य स्मृति में चित्रकला प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला एवं उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पतंत जैन ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। जिसके संबंध में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि राजीव केतन के खींचे फोटो का कोई सानी नहीं था। केतन सदा मुस्कुराते रहते थे, लेकिन गंभीर मुद्दों पर उनकी खींची फोटो समाज को आईना दिखा कर रख दी। उन्होंने कहा कि कला मंच से निकलती है और समाज तक पहुंचती है, इसलिए कलाकार सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि समाज का होता है।
डॉक्टर राजीव केतन भी परिवार के साथ ही समाज के सभी वर्गों के थे। वे कला के पुजारी थे, इसलिए सहजता उनके रोम रोम में है। राजीव केतन का शरीर भले साथ ना हो, लेकिन उनकी मुस्कुराहट सदा हमारे साथ रहेगी। वह पत्रकार, कलाकार व सरलता के संगम थे। इस अवसर पर जेपी विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व आचार्य प्रोफेसर पृथ्वीराज सिंह, महाविद्यालय के प्रबंधक विजय लक्ष्मी मिश्रा, डॉक्टर त्रिलोक रंजन, प्रोफेसर निशा जायसवाल, रेखा रानी शर्मा, प्रगति श्रीवास्तव, अनुपम सहाय, अनुपम श्रीवास्तव, विनोद गौर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वाई कला की सचिव ममता केतन एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा। स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री पुष्पनंद जैन जी, लोक कला के संवर्धन में सतत प्रयत्नशील श्री हरप्रशांत सिंह जी, पूर्वाई कला के सचिव ममता केतन जी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के ओर से अनवर निस्वार्थ प्रयासों को समर्पित है। डॉक्टर राजीव केतन भैया के क्षेत्र के सम्मुख पुष्पार्चन जी, मेरा पहली बार मूर्ति में भी हाथ नई चीज मैं महाविद्यालय के प्रबंधक विजय लक्ष्मी में संबोधित करूंगा कि डॉक्टर से मैं अनुरोध करता हूं कि आप आए और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए अनुरोध करूंगा उनको विनोद गौर जी हमारे पास प्रबंध मंच तक आए। राम शंकर सिंह जी जितनी कला करते हैं वे अपने कलाकृति बता सकते हैं यह विरासत नए हाथों में भी हस्तांतरित की जाए। डॉक्टर राजीव केतन ने इस सफल कलाओं पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा। कलाओं के प्रणेता हमेशा से मान रहे और वह अपने परिवार की मंगल कामना के लिए विभिन्न अवसरों पर इस तरह की रेखा चित्र कृतियां बनाकर अपने परिवार के सुख। ममता श्रीवास्तव सचिव पूर्वाई कला गोरखपुर।
आज पुरवाई कला गोरखपुर की तरफ से अपने संस्थापक डॉक्टर राजीव केतन जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनके द्वारा संकल्पित एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसका नाम है मातृकला उत्सव। क्योंकि इन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से बना रखी थी, उसको हम लोगों ने उसमें रंग भरने का प्रयास किया है। आज किस तरह से आज की कार्यक्रम मुख्य रूप से आज प्रदर्शनी का उद्घाटन है माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और उसके पश्चात एक संगोष्ठी का आयोजन है जिसमें जेबी जैन महाविद्यालय सहारनपुर के ललित कला विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राम शब्द जी आए हुए हैं, उनका वक्तव्य रहेगा और श्री हरि प्रसाद सिंह जी का वक्तव्य रहेगा। जी इसमें खास बात यह है कि इसमें लगभग 44 महिला कलाकारों को की कला को प्रदर्शित किया गया है और उनसे स्पेशली कह के लोक कला पर काम करवाया गया है। जो कलाएं घरों में रची बसी हैं उन कलाओं को नए फलक पिलाने का प्रयास किया है हमने। देखिए राजीव केतन एक अच्छे पत्रकार थे और कोरोना ने उनको हम लोगों के बीच से छीन लिया था। उनकी याद में उनके पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम संगोष्ठी का हो रहा है कि पूर्वांचल में किस तरह से कला का वो है। स्वयं एक अच्छे कलाकार थे जिनका ये चित्र है और मैं समझता हूँ कि कला के विधा के प्रति किस हद तक समर्पित थे कि उस कोरोना के काल में भी उनको हर जगह वही दिखता था। प्रसाद जी हैं, पुष्पदन जी हैं, वो स्वयं संस्कार भारती से जुड़े हुए थे और दैनिक जागरण के एक अच्छे छायाकार थे, गोरखपुर के अच्छे छायाकार थे, लोग उसी प्रकार से उनको मानते थे। तो उनके पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, उसी कार्यक्रम के निमित्त मैं भी दिल्ली से चला आया हूँ और हम उनको अपने यादों में हमेशा रखना चाहते हैं, इस नाते इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। देखिए कलाकार कभी जाता नहीं है और मैं ये मान करके चलता हूँ अगर राजा कीर्तन चले गए होते तो न जाने कितने लोग चले जाते हैं, कोई याद नहीं करता है। उनकी कला ही उनको हम लोगों तक जीवित रखे हुए हैं। कला कभी भी मरती नहीं है, इस तथ्य मैं ये मान करके चलता हूँ कि राजीव केतन शरीर के साथ गए हैं लेकिन हम लोगों के साथ मन के साथ जुटे हुए हैं और वही मन हम लोगों को प्रेरित करता है कि उनके याद में करो। तो मैं मान करके चलता हूँ कला का क्षरण कभी नहीं होता है, हर व्यक्ति अपना काम पूरा करके चला जाता है। राजीव केतन भी अपना काम पूरा करके चले गए, हर कलाकार अपने काम को पूरा करता है और कर करके चला जाता है, लेकिन गवाह रहती है, हस्ताक्षर रहता है उसका किया हुआ वह काम। राजीव केतन का किया हुआ काम निश्चित रूप से कला के रूप में प्रदर्शित हमेशा होता रहेगा, लोग राजीव केतन को याद करते रहेंगे, अन्यथा कौन किसको याद रखता है। लेकिन कला क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, कवि क्या होता है, साहित्यकार क्या होता है, वह रहे शरीर के साथ या न रहे लेकिन उसकी कविता, उसका साहित्य, उसकी कला हमेशा उसको जीवित रखती है। बांसगांव थाने की पुलिस ने लूट की घटना में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को बघेला मोड़ से गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान सनी बेलदार पुत्र महेश बेलदार निवासी गुआर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है जिसके पास से एक मोबाइल बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त लूट की घटना में शामिल था जो कि वंश चल रहा था जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बांसगांव थाना सत्यप्रकाश सिंह, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार तिवारी, राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, विकास यादव, दीपक यादव, संजय यादव, नमित मिश्रा, अशोक चौधरी शामिल रहे।
श्रावण माह के तीसरे सोमवार को कूड़ाघाट स्थित झारखंड जी मंदिर पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ लगी रही तथा श्रद्धालु लाइन में खड़े होकर बारी बारी से भगवान शिव को जल चढ़ाते नजर आए। आपको बता दें कि भगवान शिव की पूजा श्रावण माह में सोमवार का दिन शुभ माना गया है। सावन माह का तीसरा सोमवार के दिन पूजा करने से जीवन से जुड़े दोषों को दूर करने और महादेव से मनचाहा वरदान पाने के लिए श्रद्धालु पूजा करते हैं, जिसके संबंध में झारखंडी मंदिर के पुजारी शंभुगिरी ने बताया कि सावन के महीने में दूर दूर से श्रद्धालु झारखंडी मंदिर पर आकर भगवान शिव को जल चढ़ाकर तथा जलाभिषेक करके अपनी आस्था को मनाते हैं। उन्होंने कहा कि महादेव झारखंडी के स्थान पर जो भी अपनी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सावन में सोमवार का दिन भोलेनाथ को विशेष प्रिय है, इसलिए श्रावण माह में सोमवार का दिन विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, पानी, चावल, फूल आदि चढ़ाया जाता है। वही श्रद्धालु अदिति पांडे ने बताया कि सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा किया जा रहा है तथा सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव खुद प्रकट होते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालु अदिति पांडे एवं झारखंडी मंदिर के पुजारी शंभुगिरी ने कहा, अदिति पांडे। देखिए, सब लोगों ने मिलके अपने श्रद्धा भाव को जगाते हुए सब लोगों ने सावन के महीने में सोमवार के दिन व्रत रखते हुए इस चीज़ों को मतलब महादेव को ज़्यादा पूजा जा रहा है, महादेव को ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए इस सावन के माह में सब लोगों ने पूजा कर रहे हैं। अब हाँ, क्योंकि इसलिए माना जाता है कि भगवान शिव ने सोमवार के दिन ऐसे व्रत रखने से या फिर सावन में भगवान शिव खुद से मतलब सोमवार को पूजा करने से भगवान शिव खुद प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब ये तो मान्यता है कि कुंवारी लड़कियाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंवारी लड़कियाँ, औरतें भी करती हैं,
क्योंकि कुंवारी लड़कियों को भी जैसे लोग मानते हैं कि व्रत करने से, सावन का सोमवार करने से अच्छा घर मिलता है, अच्छा पति मिलता है, तो इसके लिए ज़्यादातर लोग सावन की व्रत करते हैं। मैं महादेव झारखंडी स्थान शिव मंदिर का पुजारी शंभुगिरी बोल रहा हूँ। ये सावन का महीना चल रहा है, इसमें जो है श्रद्धालु लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जलाभिषेक करके अपनी आस्था को मना रहे हैं, और जिसकी जो मनोकामना होती है वह महादेव झारखंडी स्थान पर पूरी होती है, इसीलिए उनका ज़्यादा विश्वास रहने के नाते काफ़ी संख्या में लोग अधिक से अधिक यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं। सावन में सोमवार विशेष प्रिय है भोलेनाथ को, इसीलिए सावन का महीने में जो सोमवार पड़ता है उसका बहुत विशेष महत्व समझते हैं लोग और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते हैं। यहाँ जो है भोले बाबा का मुख्य आहार भांग धतूरा तो आप जानते ही हैं, उसके साथ जलाभिषेक करते हैं, फूल माला हर चीज अपना चढ़ा करके अपनी आस्था को मनाते हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद के सभी एडीएम व एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ मारा छापा। 252 स्टाफ और 52 डॉक्टर पाए गए अनुपस्थित, जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने एक दिन का वेतन काटने के साथ विभाग अध्यक्ष से स्पष्टीकरण देने के दिए निर्देश। रविवार की रात्रि में कावाबाग बाईपास रोड पर बियर शॉप पर फायर करने वाले 3 अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक मुंगेर मॉडल पिस्टल, एक एयर पिस्टल, 3 मोबाइल, एक टांगी, एक चाकू किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सहित 90 से ज्यादा बड़ी कंपनियां रोजगार मेले में लेंगी भाग। सीएम योगी रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ। 10,000 अभ्यर्थियों को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य। सीडीओ संजय कुमार मीना और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। अपहृत व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर खोराबार पुलिस ने किया बरामद। अपहरण करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल, एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, एक कार किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। नाग पंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर एवं जिला कुश्ती संघ द्वारा 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजय खिलाड़ियों को गोरखपुर केशरी, गोरखपुर कुमार, वीर अभिमन्यु से करेंगे सम्मानित। अपहरण की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले 3 अभियुक्तों को चिलुआताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोबाइल किया बरामद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 4 दिन से अपने परिजनों से बिछड़े 11 वर्षीय बालक को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसके परिजन का पता लगाकर सकुशल किया उन्हें सुपुर्द। परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, जताया ट्रैफिक पुलिस का आभार। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर में पर्यटकों के लिए मिलेगी अब टूरिस्ट बस सेवा। बुधवार को फ्लैग ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर, चिड़ियाघर, रामगढ़ ताल का सैर कराएगी ई टूरिस्ट बस। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी जानकारी। छात्रा का पीछा कर छेड़खानी करने वाले वांछित अभियुक्त अजय भारद्वाज को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। पूर्वाई कला के संस्थापक राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि में चित्रकला प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा पत्रकार, कलाकार व सरलता के संगम थे स्वर्गीय राजीव केतन।
लूट की घटना में शामिल सनी बेलदार को बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। और श्रावण माह के तीसरे सोमवार को शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जलाभिषेक करके महादेव से मनचाहा वरदान पाने के लिए श्रद्धालु करते हैं पूजा। कहा, श्रावण माह में सोमवार के दिन का होता है विशेष महत्व, श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान भोले शंकर। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।